एक बार एक बोना आदमी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा। उधर पहाड़ के कोने पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। तभी उधर ही तपस्या करने वाला एक स्वामी जी ने उसे देखा। तब स्वामी जी उससे, बेटा आत्महत्या करने के लिए आए हो क्या? फिर तो इस तरफ से कूदो, अगर उधर से कूदा तो नीचे पानी में गिरकर बचने का संभावना है, इधर से तो नीचे पत्थर के ऊपर गिरकर जरूर मर जाओगे, कहा। तब वो बोना आदमी, स्वामी जी आप भी मुझे देखकर मजाक कर रहे हैं, सबके तरह मेरा अपमान करना क्या ठीक है, कहा। तब स्वामी जी, अरे बेटा मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, जो बात है वो कहा, बाद में तुम्हारी मर्जी, कहा। तब वो बोना आदमी ठीक है कहकर पहाड़ के उस कोने के तरफ जाकर खड़े होकर नीचे देखते हुए फिर स्वामी जी के तरफ देखकर, स्वामी कम से कम मैं आत्महत्या क्यों कर रहा हूँ ये नहीं पूछोगे क्या? आपको बिल्कुल दया नहीं है क्या? कहा। तब स्वामी जी, क्यों नहीं है बेटा, इस जमाने में किसका बात कौन सुनता है बताओ, आत्महत्या कहे तो हत्या से भी महापाप है, वो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम सीधा नरक पहुँच जाओगे, वो सब छोड़ो पहले तुम्हारा समस्या क्या है ये तो बताओ, कहा। तब वो आदमी रोते हुए, स्वामी मेरा नाम अमिताभ है, नाम के हिसाब से मैं लंबा तो नहीं बना, सब लोग मुझे बोना बोना कहकर मेरा अपमान करने वाले ही है, कहीं नौकरी भी नहीं मिला, मैं ही एक छोटा सा टिफिन का गाड़ी चला रहा था तो वहीं भी आकर मेरा मजाक उड़ाते हुए मेरा व्यापार को खराब कर रहे हैं, शादी करने के लिए सोचा तो गांव में सब लोग मिलकर आए रिश्तों को कुछ न कुछ कहकर तोड़ने का काम पर ही लग गए हैं, अब मुझे जिंदा रहकर क्या फायदा है स्वामी, इसलिए ऐसा कहकर रोने लगा। तब स्वामी जी, अरे 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 कितना अन्याय हुआ है तुमसे अमिताभ, भगवान ने जो दिया उस रूप का मजाक उड़ाना कहे तो खुद भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं कहकर इन मूर्ख इंसानों को पता नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, अगर वो खाएगा तो सच में अमिताभ जैसा लंबा बन जाओगे, लेकिन अगर उधर नहीं रुक कर और भी खाएगा तो कितना लंबा बन जाओगे ये बात नहीं कह सकते है, बाद में वापस छोटा बनना मुमकिन नहीं होगा, ओम तत्सत, कहकर दवाई प्रकट करके दिया। अमिताभ उनको भक्ति से प्रणाम करके उधर से चला गया। गांव में लोग उनका मजाक करना शुरू किए। एक आदमी, अरे ओ छोटे बैंगन कहीं का, इससे पहले पहाड़ पर क्यों चढ़ रहा है, मरने के लिए गए हो क्या, अगर तुम मर जाओगे तो हमें हंसाने वाला और कौन रहेगा, फिर एक बार ऐसा खामड़ी मत करो, कहकर हंसा। तब और एक आदमी, अगर ये कूदा तो इसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो कम वजन का है ना, पेपर गिरा जैसा धीरे से नीचे गिरेगा। तब और एक आदमी, अरे ये तो बताओ कि तुम्हारा रिश्ता तय हुआ कि नहीं, तुम्हारा बोना बीवी कहाँ है, कहकर मजाक उड़ाया। तब अमिताभ कुछ भी नहीं कहा और दवाई को थोड़ा पिया, बस वो अचानक से लंबा बन गया, उनको देख कर सब लोग हैरान रह गए। अमिताभ उनको कुछ भी कहे बिना उधर से चला गया। बाद में अमिताभ एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी किया, उनको एक बेटा भी हुआ। एक दिन खेलता हुआ उनका बेटा को देखकर अमिताभ, स्वामी आप जहाँ पर भी हो आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, मुझे होने वाला बच्चा बोना जैसा पैदा होगा कहकर बहुत घबरा गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, भगवान आपको मेरा धन्यवाद, कहकर प्रणाम किया। वो देखकर उनका पत्नी भी प्रणाम किया। इतने में उनका घर के सामने से एक आदमी भागते हुए, वो आदमी, सब लोग भाग जाओ सब लोग भाग जाओ, कहकर चिल्लाते हुए दौड़ रहा था। गांव वाले उसे रोककर क्या हुआ कहकर पूछे। तब वो आदमी, हमारा गांव का बगल वाला डैम टूट गई है। किसी भी पल में पानी आकर हमारा गांव डूब जाएगा, सब लोग भाग जाइए चलिए, कहा। तब गांव का मुखिया, अरे अब क्या भागना है तो बहुत मुश्किल है, वो डैम ज्यादा दूर में नहीं है, औरतें बूढ़े बच्चे इन सबको लेकर जाना है तो बहुत मुश्किल है, अरे भगवान। वो देखो भाड़ आ रहा है, अब क्या करना है, कह रहा था। इतने में घुटनों तक पानी गांव में आ गया। वो देखकर अमिताभ उनसे,
मुखिया जी आप घबराएगा नहीं, मैं ऐसा लंबा बनने के लिए स्वामी जी ने दिया हुआ दवाई ही कारण है। अगर वो दवाई ज्यादा खाया तो कितना लंबा बन जाता हूँ मुझे ही पता नहीं, वापस साधारण आदमी जैसा कभी भी नहीं बन सकता हूँ। लेकिन हमारे गाँव के लिए मैं कौन सा भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। कहकर घर के अंदर जाकर वो दवाई लेकर उसे खाया और सब लोग देखते ही वो यूं ही बड़ा बन गया। तब वो पूरा गांव को उनके हाथों से पकड़ लिया। ठीक वही समय भाड़ आकर उनका कमर तक पानी आ गया। पानी कम होने तक उनका हाथ कितना भी दर्द होने से भी वो सहकर गांव को ऐसे हाथों में पकड़कर ही रह गया। बेचारा कुछ दिनों तक वो ऐसे पकड़कर ही ठहर गया। भाड़ का पानी पूरा कम होने के बाद वो गांव को फिर से नीचे रख दिया। उनको बचाने के लिए गांव वाले सब मिलकर उनको प्रणाम किए। एक, अमिताभ इतने साल तुम्हारा कितना भी अपमान करने से भी हमें वापस तुम कुछ भी नहीं कहा, सब दर्द को अंदर ही रखकर सह लिया, तुम बड़ा बनकर बहुत त्याग किया, हमें माफ कर दो दोस्त। कहा तब गाँव की मुखिया, हमें बचाने वाले अमिताभ को अब हम बचाने का समय आ गया है। हम अमिताभ को ले जाकर उस स्वामी जी के पास जाएंगे और इसका हल पूछेंगे, चलिए। कहा तब सब लोग मिलकर स्वामी जी के पास जाकर उनको प्रणाम करके अमिताभ को वापस मामूली इंसान जैसा बदलने के लिए विनती करने लगे। तब स्वामी जी ने हाथ घुमाया तो अमिताभ मामूली आदमी जैसा बदल गया। वो देखकर उनका पत्नी और बच्चा बहुत खुश हुए।